इस साल भी कैलाश मानसरोवर यात्रा वैकल्पिक मार्ग से की जाएगी। नजंग से मालपा तक के रूट में अभी भी गाड़ियों का संचालन संभव नहीं है। बियारू नजंग और मालपा में दो पुलों का निर्माण कर रही है, लेकिन इन पुलों को बनाने में कम से कम 6 महीने का समय लगना है। वहीं मालपा से गुंजी तक सड़क कटी है, लेकिन इस पर भी यातायात संभव नहीं है, जिसके चलते जिला प्रशासन ने अभी से वैकल्पिक मार्गों की तलाश शुरू कर दी है। वर्तमान में नजंग में और मालपागाड़ में दो पुलों का निर्माण कार्य बीआरओ के माध्यम से चल रहा है, जिसका प्रगति जो है अभी तक उतना अपेक्षा के दृष्टि से आ नहीं पाया है। और हमारी जो मोटरेबल सड़क है वो नजंग तक ही जा पाएगी, उसके पश्चात मालपागाड़ तक जो है पैदल मार्ग से यात्रा का संचालन किया जाएगा। उसके पश्चात जो है मालपागाड़ से गुंजी तक सड़क यातायात जो है मोटरेबल रोड तो उपलब्ध है, लेकिन क्वालिटी का जो होना चाहिए सड़क उतना अभी तक मेंटेन नहीं हो पाया है। उसके लिए भी हमने बीआरओ को निर्देशित किया हुआ है। वर्तमान में जो है ये क्षेत्र लैंडस्लाइड प्रोन और फ्लड की दृष्टि से भी काफी संवेदनशील है, तो हम लोग आपदा यंत्र को भी हम लोग सुचारू रखेंगे। संवाद 365 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट पिथौरागढ़।